बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपना लेक्चर एक बहुत मज़ेदार सी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 पर मौजूद एक्टिविटी को देखें। हम तमाम ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने एनिमल्स को लेना है। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को लिखेंगे, अब आपने क्या करना है, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को उनके ग्रुप्स में अरेंज करना है। जैसे कि अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास एलिफेंट है, तो आप उसको किस ग्रुप में डालेंगे? आप जानते हैं कि एलिफेंट एक वर्टिब्रेट है और मैमल से बिलोंग करता है, तो आप उसको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर आपसे कोई कहेगा कॉकरोच क्या है, तो आप फटाफट से बताएंगे कि कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसी तरह आपने डिफरेंट एनिमल्स को देखना है, उनको उनके स्पेसिफिक ग्रुप में अरेंज करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ उन ग्रुप्स को डिस्कस करना है। ये छोटी सी एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी एक्टिविटी के थ्रू हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे लिविंग थिंग्स की कितनी वैरायटी पाई जाती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम चीज़ें हमारी इस अर्थ पर पाई जाती हैं और हमने इनको बारी बारी डिस्कस किया है। और अब हम देखेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते बट पहले पाए जाते थे। आपको याद होगा डायनासोर्स के बारे में, आपने देखा भी होगा डायनासोर्स को, लेकिन अब तो हमें डायनासोर्स नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब वो इस दुनिया में हमें नज़र नहीं आते बट वो पहले पाए जाते थे। तो अब उनकी पैदावार ख़त्म हो गई है, उनकी कोई स्पीशी दुनिया के किसी कोने में मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते लेकिन पहले पाए जाते थे, तो हम उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी कि वो अब नापैद हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाना। आपको याद होगा डायनासोर्स हुआ करते थे इस दुनिया में, लेकिन अब नहीं हैं, इसका मतलब वो नापैद हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से बुक के पेज नंबर 17 पर हमें कुछ और एक्सटिंक्ट एनिमल्स को दिखाया जा रहा है, जिसमें डोडो बर्ड है, सेबर टाइगर है और इसी तरह की मजीद स्पीशीज जो अब बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक सैड फैक्ट बताती हूँ। हमारे यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान के अंदर एस्पैरागस गैरेंसिस और एलम गिलगिटीसम बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अब बिल्कुल नहीं पाए जाते, यानी कि नापैद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमारा ब्लैक बक डियर, हमारा लॉइन, इंडियन हॉर्न डायनासोर्स और बहुत सारे एनिमल्स बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है कि हमारे जानवर और प्लांट्स नापैद होते जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है क्यों एक प्लांट या एक एनिमल बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाता है? क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? आए मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई चीज़ नापैद होती है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह के एक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ पैदा होना बंद हो जाती है। तो हमारे एनिमल्स की एक्सटिंक्शन के पीछे वजह हमारी हंटिंग है, हमारी डिफोरेस्टेशन है और पोल्यूशन है। सबसे पहले एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने की वजह हंटिंग है। जब हम बहुत सारे एनिमल्स का शिकार करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नंबर कम होता चला जाएगा। जैसे कि अब आपके पास आपके किसी एरिया के अंदर 100 डियर्स मौजूद हैं, अब आप जाते हैं उसी एरिया के अंदर से हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो 100 से 10 रह जाते हैं, स्लोली स्लोली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी हंटिंग की आदत जो है वो हमारे एनिमल्स को नापैद कर रही है। बट प्लांट्स के नापैद होने की क्या वजह है,
हमारी डीफॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते चले जा रहे हैं अपने फार्मलैंड्स की वजह से, अपनी बिल्डिंग्स को बनाने की वजह से। और क्या होता है फिर जब हम अपने फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारी प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से एक और वजह है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे असर करती है, वो क्या है? हमारा पोल्यूशन, हमारे सिटी एरियाज में पैदा होने वाला पोल्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे नेचुरल एरियाज को, हमारे नेचुरल एरियाज को अफेक्ट करता है, हमारी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? क्या आपको पता है कि इंडेंजर्ड हम किसको कहते हैं? आप इस वर्ड से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन डेंजर, यानी कि इन अ डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ऐसे रिस्क पर होना कि आप आने वाले वक्त में उस स्पीशी को बिल्कुल नापैद कर दें, या वो स्पीशी जो एक रिस्क पर मौजूद है कि वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकती है, तो हम उसको इनडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में मारखोर है हमारा, मार्कोपोलो शीप है, वल्चर है, ये वो स्पीशीज हैं जो इनडेंजर्ड स्पीशीज हैं। हमारे पाइन ट्रीज हैं जो कि इनडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और ये जल्दी ख़त्म होने के खतरे पर हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशंस पर हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम किस तरह से इनको रोक सकते हैं? यस, हम इन्हें रोक भी सकते हैं। किस तरह से? कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज से। कंजर्वेशन क्या होती है? उसमें हम प्रोटेक्शन करते हैं उन स्पीशीज की जो कि इंडेंजर्ड हैं, यानी कि ख़त्म होने वाली हैं। इसके अंदर हम बहुत सारा जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स अरेंज करते हैं, नेशनल पार्क्स को बनाते हैं, हंटिंग को बैन करते हैं, सेलिंग को बैन करते हैं, और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनको अपने जू में रखते हैं ताकि वो सेव रहें, प्रोटेक्ट रहें और नापैद होने के खतरे से बची रहें और आने वाले वक्त में हमारे साथ हो सकें। जी तो स्टूडेंट्स, आज आपने कितनी इंटरेस्टिंग बातें सीखी हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में जाना है, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को सीखा, और ये जाना एक्सटिंक्शन क्यों होती है, उसकी वजह क्या होती है, और कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत अमेजिंग सी एक्टिविटी की तरफ। आपकी बुक के पेज नंबर 19 पर मौजूद एक्टिविटी है जिसमें आपके पास एनिमल्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। आपने इन एनिमल्स के अंदर से इंडेंजर्ड स्पीशीज को निकालना है और राइट डाउन करना है। ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है, इससे आपको याद रहेगा कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं। उम्मीद है आपने लिविंग थिंग्स की इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।